भी अम्मा रुखसती तो इसी जुम्मे को होगी, दो दिन के बाद उपटन होगा, फिर मेहंदी होगी और फिर रुखसती हो जाएगी। रुखसती करनी है, कोई चिड़ी उड़ी कां उड़ा नहीं खेल रहे। सलीका ठीक कह रही है बेटा, अब इतनी जल्दी तीनों फंक्शन की तैयारी कैसे होगी? हमें कौन सा जेस चाहिए, बस तीन कपड़ों में रुखसती कर दे। कुकु तू चुप कर, है तू ना बन ज्यादा। हमें चाहिए जेहेज, मैं तो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। माँ नहीं है तेरी, लेकिन माँ जैसी बड़ी बहन तो जिंदा है, मुझे तो सोने के झुमके भी चाहिए। अरे इतनी जल्दी तो शादी हॉल की बुकिंग भी नहीं मिलेगी। हाँ तो भाई, ये लड़के वालों का मसला तो नहीं है ना, ये तो आप लोगों का मसला है। अम्मी हाँ तो फिर ठीक है, छत पे करवा लेते हैं कैटरिंग। अरे नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ अपने दोस्त से, उसका शादी हॉल है, कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा वो। अब्बा इतनी जल्दी रुखसती नहीं हो सकती। अच्छा चले ठीक है, फिर नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा भरा तो अब 2 साल के बाद आएगा दुबई से वापस, तो फिर तब कर लेंगे। चलो बेशक 4 साल ना करे रुखसती, 2 वक्त की रोटी भारी नहीं है मुझ में मेरी बहन की। लो जी, कहाँ ले गया जलेबी चुपके। अम्मी थोड़ा तहम्मुल से सोचे कि तूने लिया था तहम्मुल से काम, जब इस लड़के के साथ जाके ब्याह कर लिया था, माँ पियो के सर के अंदर खेर डाल दी थी, अब आगे बीच में टेडी बकरी बन के छलांग मार के। तू क्या मुझे चूड़िया काट रही, मेरे बाजू में सुराख कर दिया। निधा तुम अंदर जाओ, ताई अम्मी ठीक कह रही हैं, बड़ों का मामला है। ओहो ताई अम्मी ठीक कह रही हैं, बड़ों का मामला है। उस वक्त नहीं ख्याल आया था बड़ों का, जब निकाह के ऊपर कुगियां चला रहा था, तू आया वड्डा। आपी? क्या आपी, तू भी आपी जाके ब्याह कर ले फिर, हैं? अब तेरी आपी है ना असली वाली, मुझे बात करने दे। लो जी अन्ने हाथ आ गया डांग, हाथ च रुमाल तो रुमाल च मसरां दी दाल। अब्बा जी मैं बता देती हूँ इन लोगों का मसला क्या है। मसला ये है कि 4 लोगों को रोटी खिलाते हुए इनके ना टेढ़ में मड़ोड़ उठ रहे हैं, कड़ाके निकल गए इनके। तन्नो एक लफ्ज भी अब मुंह से मत निकालना, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगी। ठीक है ले आना बारात जुम्मे को, और ये रोटियों के ताने कमी कमीन देते हैं खानदानी लोग नहीं। कान खोल के सुन लो तुम लोग सब, बिट्टो मेरी अकलौती बेटी है, उसकी खुशियां बर्बाद करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा मैं। अरे तुम लोगों में से किसी को मसला है ना तो अभी बात करो अभी। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, कोई मसला नहीं है, सारे शहर को खिला सकता हूँ, सारी जिंदगी मेहनतें की हैं, खानदानी जायदादें नहीं उजाड़ी और लोगों की तरह। अरे छोड़ो भाई, जड़ से उखाड़ोगे हाथ क्या मेरा। मुन्ने मियाँ तुम भी अपने तानों की पोटली को गिरा लगा के रखो, तुम लोगों के हाथों में पहले ही अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा हो चुका हूँ, अकलौती बेटी है मेरी। अरे पहले मैं सुकून से उसकी रुखसती कर दूं, फिर तुम लोग चाहे दूसरे का सर फाड़ लेना। सारी जिंदगी अब्बा आशियाना नूर की बत्तियों को तेल दिया आपने मेरे जज्बात का खून करके, मगर मुन्ने का जर्फ इतना छोटा नहीं है, 4 बंदों की जगह 400 लोग ले आइएगा बारात पे। चलो जी मुकदी गल मुकाओ, परसों तेल मेहंदी ते जुमे नू बरात। जी नहीं, परसों माइयो, फिर उसके बाद मेहंदी, फिर उसके बाद होगी बरात। अरे भाई इतने सारे फंक्शन करने की जरूरत क्या है? अब्बा जी क्यों नहीं है, मेरा कलम कला प्रा है एक ही, मैंने तो अपने सारे चाह पूरे करने हैं ना, तो करने दे सारे फंक्शन। ठीक है भाई जो चाहे करो। अच्छा चलो ये खाओ ना। बारा बात करनी है। बेफिक्र रहे भी अम्मा, मैं भी 2 लड़कियों की माँ हूँ, आपकी बच्ची का बहुत ख्याल रखूंगी इंशाल्लाह। जानती हूँ मैं, सिर्फ जुबान की तेज हो तुम, दिल की बुरी नहीं हो। तुम किधर जा रहे हो? जो बिटुष्टो का होगा ना वो 4 दिन के बाद ही होगा, आराम से बैठ जा। ठीक कह रही है ये, अब बिट्टो नहीं आएगी तुम्हारे सामने। छुरी गिरे खरबूजे पर या खरबूजा गिरे छुरी पर, नुकसान तो खरबूजे का ही होता है। कर लो सारे मिलकर मेरा कबाड़ा।